सो फाइनली मैंने आपको बोला था कि जो पिटीशन लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एक ऐसा मामला हो चुका है कि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज अब जो नेक्स्ट हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग का मतलब कि आज तो एक्सेप्ट हो गया, अब आज उनके उसके बारे में उस हियरिंग नहीं हो सकती है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 31 अगस्त को ही पॉसिबल है, ठीक है। अब 31 अगस्त को भी पॉसिबल हो या ना हो तो फिर 1, 2, 3 को सुन सकते हैं। ऐसा जो सिंघवी है उन्होंने कहा है, सोरेन साहब, अब देखिए समय का तो बहुत ही बड़ा वो है प्रॉब्लम। हम जल्द से जल्द, अब शुक्रवार के बाद तो पहला दिन एक प्रकार से सोमवार है, लेकिन ये जो है परीक्षाएं 1 हफ्ते की हैं और उसके बाद 13 से वापस हैं, तो जितना जल्दी हम इसको कर सकते हैं अगले हफ्ते उसका प्रयत्नशील है। 1 तारीख में तक तो कुछ नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ कुछ तो शुरू होगा, उसके बाद 1, 2 और 3 के बीच में देखते हैं। 1 तारीख से तो एग्जाम स्टार्ट है सर। हाँ बिल्कुल, उसके पहले आपको कोई ऐसा आश्वासन देना कि कुछ हो सकेगा, लेकिन अगर कोई और तरीके निकाल सकते हैं तो 1 तारीख के बाद भी निकल सकते हैं कोर्ट द्वारा। सो ऐसा मत सोचना कि आपका जो नीट एग्जाम है वो तो पोस्टपोन हो सकता है, बिकॉज जेई एग्जाम तो है पोस्टपोन नहीं होगा, बिकॉज अब जो हियरिंग है वो 1 से 3 के बीच में हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज देखिए, नॉट पोस्टपोन गैंग वालों ने इंतजाम जो है वो कर रखा है, अगर यहाँ तक वो लेके आ चुके हैं ना तो एग्जाम पोस्टपोन अब नहीं होने वाले। और ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस मामले में जो है कोर्ट के अंदर कुछ नहीं हो सकता, ऑलरेडी मैंने आपसे बोल दिया था, तो अब प्लीज़ आप पढ़ाई के ऊपर जो है फोकस कीजिए। हाँ, यहाँ पर एक और ऑप्शन है पोस्टपोन कराने का, एक और ऑप्शन है, लेकिन अभी वो है इतना पॉसिबल मुझे लगता है दिखाई नहीं देता, और वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर उसका यूज़ करें अगर CM वगैरह जो भी हैं, लेकिन वो अगर सच में बच्चों की परवाह करते हैं तो वो करेंगे, लेकिन अब वो सिर्फ राजनीति करने आए ना, जो कि मुझे लगता है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे।